मेला के अवसर पर जनपद गोरखपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम संचालन हेतु डायवर्जन व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर द्वारा दी गई वीडियो बाइट। गोरखपुर से सैयद रेहान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गोरखनाथ का प्रसिद्ध खिचड़ी मेला के आयोजन के अवसर पर श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए, ताकि वो आसानी से आवागमन कर सकें, हमने निम्न प्रकार से डायवर्जन लागू किया है। कल दिनांक 13 जनवरी की शाम 6 बजे से लेकर 16 जनवरी की शाम 6 बजे तक ये डायवर्जन रहेगा। इस दौरान नो एंट्री नहीं खुलेगी और कमर्शियल वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित है। जिन वाहनों को महाराजगंज, फरेदा और पीपीगंज की तरफ से आएंगे, उनकी और इन्हें रेलवे स्टेशन और रोडवेज की तरफ जाना होगा। ऐसे सभी फोर व्हीलर बरगदवा से भगवानपुर, स्पोर्ट्स कॉलेज, खजांची चौराहा, पादरी बाग, कौआबाग एवं मोहद्दीपुर होते हुए जाएंगे। इसी प्रकार बनारस, मऊ, बड़हलगंज की तरफ से आने वाले वाहन, जिन्हें लखनऊ या संत कबीर नगर जाना है, वो बाघेगाड़ा, कालेश्वर, जंगल, कौड़िया, फोरलेन होते हुए जाएंगे। फरेदा, सोनौली, महाराजगंज से बनारस, मऊ, बड़हलगंज, लखनऊ और संत कबीर जाने वाले इसी रूट को अपनाएंगे। बाघेगाड़ा, जंगकालेश्वर, जंगल, कौड़िया, फोरलेन होते हुए महाराजगंज प्रयागराज की तरफ से आने वाले वाहन, जिन्हें रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन जाना है, वो पाटी बाजार, कौआबाग, मोहद्दीपुर स्टेशन होते हुए जाएंगे। यातायात तिराहा से बरगदवा के बीच में जिनके लिए जाना है, वो धर्मशाला, गैंगेज, दुर्गाबाड़ी, सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी से ग्रीन सिटी होते हुए जाएंगे। जेपी हॉस्पिटल से गोरखनाथ ओवरब्रिज की तरफ और आरपीएफ ग्राउंड से गोरखनाथ ओवरब्रिज की तरफ, ये नो व्हीकल जोन रहेगा। यहाँ से लेके इंडस्ट्रियल तिराहा तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं। शहरी क्षेत्र में रसूलपुर तिराहा, दशहरी बाग तिराहा, हिमायतपुर तिराहा से सभी प्रकार के वाहन, जिन्हें गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाना है, प्रतिबंधित है। यहाँ से श्रद्धालु पैदल मंदिर की तरफ जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल मोड से रेलवे स्टेशन और शहरी क्षेत्र में जिनको आना है, ऐसे वाहन रामनगर चौराहा, नका ओवरब्रिज, स्पोर्ट कॉलेज, खागामची चौराहा, अश्वन चौराहा से काली मंदिर होते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के लिए आ सकते हैं। इस डायवर्जन प्लान का और पार्किंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं और नागरिकों से अनुरोध है कि अपनी सहूलियत के लिए तथा अव्यवस्थाओं से बचने के लिए पार्किंग व्यवस्था में तथा खिचड़ी मेला के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था में 14 पार्किंग प्लेस चिन्हित किए गए हैं। जो वाहन बिहार, बलिया और देवरिया की तरफ से आएंगे, उनका सबसे पहले बसों का पार्किंग भगवती महिला महाविद्यालय परिसर में है। इसके बाद अन्य फोर व्हीलर्स की पार्किंग आरपीएफ ग्राउंड में गोरखनाथ ओवरब्रिज से पहली है और टू व्हीलर्स की पार्किंग लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल में शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए एवं अन्य लोगों के लिए गोरखनाथ ओवरब्रिज से उतरते समय दाहिनी तरफ खाली पड़े मैदान में की गई है। सूरजकुंड कॉलोनी के आसपास रहने वालों श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था रामलीला मैदान में की गई है। ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के पार्किंग की व्यवस्था मेवालाल गुरुकुल महाविद्यालय में है। बैराज, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर की तरफ से आने वाले वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था लेबर तिराहा से रामनगर तिराहा तक, बागीचा पार्किंग रथमलपुर एवं औद्योगिक क्षेत्र मोड़ से रामनगर तिराहा तक सड़क के दोनों तरफ एवं एमपी पॉलिटेक्निक के पास शांतिवरम लान में एवं कुष्ठ आश्रम के पीछे की गई है। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग कॉलोनी राजेंद्र नगर में और सुरंगर रोड पर रोड के दोनों तरफ पटरियों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।